हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम ये ट्रेंडिंग नायरा कट की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये एक लेस का यूज़ किया है जो व्हाइट कलर की पतली लेस आती है। तो इसको हम अटैच करेंगे अपने बॉटम वाले पार्ट पर और अपर वाले पार्ट पर। तो इसको मैंने 7 मीटर लिया है। देन इसके बाद हम अपना फैब्रिक देख लेते हैं। तो मैंने ये प्योर कॉटन का फैब्रिक लिया है। इस तरीके से प्रिंटेड फैब्रिक है मेरा। आप चाहे तो इसको प्लेन में भी ले सकते हो या इस तरीके से प्रिंट में भी ले सकते हो। इसको मैंने 3 मीटर लिया है। अगर आपकी लंबाई 40 तक है तो आपको 3 मीटर लेना है। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको अपना थोड़ा 3 मीटर से ज़्यादा फैब्रिक लेना है। तो चलिए हम अपना मेजरमेंट देख लेते हैं। तो जो मेरी लंबाई है वो 40 इंच है, चेस्ट हमारी 36 है और वेस्ट हमारी 29 है। मैं इसको एक स्टैंडर्ड साइज़ का बता रही हूँ आपको। हमें बस ये चेस्ट और वेस्ट का ये निशान चाहिए, हिप का निशान हमें नहीं चाहिए। तो स्लीव्स है जो हमारी वो हमारी 16.5 से 5 इंच की गोलाई में है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारी टोटल लंबाई 40 है तो इसमें हमें अपर वाला चोली वाला पार्ट अलग से निकाल लेना है। तो मेरी वो 14.5 है, उसमें 1+ करके हम 15.5 टोटल लंबाई में कट करेंगे उसको। और बॉटम वाले पार्ट को हमें इसमें अलग कट करना है। तो जैसे 40 में से हम अपना अपर वाला पार्ट कट करेंगे तो 25.5 आएगा, उसमें हमें 1.5+ करना है क्योंकि 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए और 1 इंच हमें नीचे फोल्डिंग के लिए चाहिए। तो टोटल हमें 27 बॉटम वाला पार्ट लेना है और अपर वाला पार्ट हमें 15.5 लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है इस तरीके से, तो अपर वाले पार्ट को हमें 1+ करके लेना है और नीचे वाले में हमें 1.5+ करके लेना है। तो 15.5 में अपर वाले को कट करेंगे और 27 इंच हम अपने बॉटम वाले पार्ट को कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं आप फैब्रिक को ओपन कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो फैब्रिक का आर्ज है वो 22 इंची का है, मतलब 44 इंच का आर्ज है। तो मेरा इस तरीके से ही फुल फोल्ड करके निकल जाएगा। इसको मैं फुल फोल्ड करूँगी तो मेरा इस तरीके से निकल जाएगा। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आपको इसको लंबाई में निकालना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं आपसे बोल रही थी कि आपको फैब्रिक को 3 मीटर से थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है अगर आपका हैवी साइज़ है आर्ज में। आर्ज अगर आपका ठीक है तो आपका 3 मीटर में बन जाएगा। तो देखिए, मैंने इस तरीके से फैब्रिक को लंबाई में ओपन करके और इसको अपने अर्ज वाले साइड से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया। अब इसी तरीके से मैं इसको एक बार और फोल्ड कर लूँगी तो ये हमारा हो जाएगा फुल फोल्ड। अब हम अपना निशान लगाते हैं। तो हमारी जो चोली का लंबाई है वो 14.5 है, तो उसमें 1+ करके हम इसमें निशान लगाएंगे। तो मैंने 15.5 पे इस तरीके से एक साइड पर निशान लगा दिया। इसी तरीके से 15.5 पे हम दूसरी साइड पर निशान लगा देंगे और इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे, इस तरीके से सीधा कर देंगे। इसके बाद हम अपना शोल्डर का और आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको एक स्टैंडर्ड साइज़ का बना रही हूँ और जो हमारा इसमें पीछे का बैंड है वो मैं इसमें शॉर्ट ही बना रही हूँ, छोटा वाला गला बना रही हूँ, मतलब 2.5 इंची का। तो उसके लिए मैंने 6.5 इंच के शोल्डर लिए हैं और 6.5 इंच के ये हमने इसमें आर्म होल लिए क्योंकि मैं इसमें स्लीव्स अटैच करूँगी। और जो अपर बस्ट पॉइंट होता है उसे हम शोल्डर से 1/2 इंच कम करके लगाते हैं। तो ऊपर 6.5 लिया था तो नीचे मैंने 6 इंच पर निशान लगा दिया इस तरीके से। अब हम इसमें आर्म होल की गोलाई देंगे। तो फ्रंट वाली हम 1 इंच पे देते हैं और बैक वाली मैं इसमें 2.5 इंची पे दे रही हूँ क्योंकि जो हमारा पीछे का गला है वो छोटा है। अगर आपका पीछे का गला डीप में हो तो आपको 1.5 से 1.75 इंच तक की ही बैक वाली गोलाई को आपको डालना है इस तरीके से। अगर आपका छोटा गला है तो आपको 2.25 से 2.5 इंची की निशान लगा के गोलाई को आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। तो हमने फ्रंट वाली भी और बैक वाली भी दोनों आर्म होल की गोलाई को बना लिया है। इसके बाद हम अपना चेस्ट का और वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए, चेस्ट हमारी 36 है, उसका 4th भाग किया हमने, 9 इंच आया, उसमें हम 2+ किएंगे मार्जिन के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा अपर वाला मेजरमेंट। और अब हम अपना कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी 29 है तो उसका भी हमें 4th भाग करना है इस तरीके से और 2+ करना है। फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसमें प्लेट का निशान लगा सकते हो, नहीं हम इसमें अलग से जो फैब्रिक लेंगे उसमें हम अपनी प्लेटर ऑब्वियसली डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें अपना कवर अप कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें प्लेटेड डाल सकते हो इस फैब्रिक में, नहीं तो आप इसमें अवॉइड भी कर सकते हो। इसके बाद हम अपना नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक की जो चौड़ाई ली है मैंने वो 2.75 इंच ली है। नेक इसमें मैं फ्रंट वाला भी छोटा ही रख रही हूँ तो फ्रंट वाले की मैंने 6.5 इंच ली है और इस तरीके से मैंने इसमें राउंड शेप दे दिया। आप चाहे तो इस तरीके से डायरेक्टली राउंड शेप दे सकती हो या फिर आप बिल्कुल बिगनर्स हो तो आपको इस तरीके से नीचे से भी आपको 2.75 इंच पे निशान लगा के एक बॉक्स बना लेना है और 1 इंच की आपको इस तरह से अंदर की साइड गोलाई देके इस तरीके से आपको गले को ड्रॉ करना है। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। इसके बाद हम अपनी जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए वहाँ से हम कटिंग कर देंगे। याद रखना फ्रेंड्स, हमेशा आपको जो हम बैक वाली गोलाई डालते हैं आर्म होल की वहीं से आपको कट करना है। फ्रंट वाली हम जब फैब्रिक को ओपन करते हैं अलग अलग पार्ट में कट करते हैं तब हम फ्रंट वाली गोलाई को अलग से कट करते हैं, बट जब आपको स्टार्टिंग से कटिंग करनी होती है तो आपको बैक वाली से ही कट करना होता है। तो देखिए, हमने कटिंग कर दी, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट करके निकाल दिया। मैंने जो फ्रंट वाला पार्ट वाला है उसको मैंने ओपन किया है। बैक वाले में हम अपना नेक कट कर लेंगे। तो मैंने 2.5 इंची का इसमें पीछे वाला गला लिया है। आप चाहे तो 3 से 4 इंच तक भी इसमें ले सकते हो। तो मैंने स्मॉल में बहुत छोटा गला लिया है तो इस तरीके से मैंने गले को बना के इसको कट कर दिया है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक वाला पार्ट कट के रेडी हो गया। आप चाहे तो बैक वाले में भी प्लेट डाल सकते हो, फ्रंट वाले में अलग से वो प्लेट बनी जाएंगी, बैक वाले में आप डाल सकते हो। इसके बाद हम अपने फ्रंट वाले की जो आर्म होल की गोलाई उसको कट करके निकाल देंगे, और जो नेक है उसको फ्रेंड्स हमें इसमें अभी कट नहीं करना होगा, उसको जो हम अलग से वो फैब्रिक अटैच करेंगे उसके साथ ही हम उस नेक को बनाएंगे। तो देखिए मैंने आर्म होल की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट करके निकाल दिया है, और जो नेक है उसको हम अलग से उस फैब्रिक के साथ ही कट करेंगे, उसके साथ हम स्टिच करेंगे। तो हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कट के रेडी हो गए हैं। अब हम अपना बॉटम वाला पार्ट कट करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने आपको लंबाई बताई थी, टोटल लंबाई में से आपको अपर वाला पार्ट माइनस करके और उस जो आपकी लंबाई आएगी उसमें आपको 1.5 प्लस करना है और उतना आपको निशान लगाना है। तो देखिए मेरा 27 टोटल आया है, तो मैं 27 इंच का ही लंबाई मिलूँगा। अर्ज में आपको पूरा फैब्रिक लेना है क्योंकि हमें इसमें इस तरीके से प्लेटेड डालनी है, तो अर्ज में तो आपको फैब्रिक को कट नहीं करना है। लंबाई में आपको जितना आपका मेजरमेंट आ रहा है उतना ही आपको इसमें कट करना है, लेकिन आपको इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको फुल फोल्ड करना होगा। ये तो हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट, अब इसी के साथ हमें बैक वाला भी कट करना होगा, तो इसके लिए हमें फैब्रिक को फुल फोल्ड करना होगा। तो देखिए मैंने पहले एक लंबाई पर निशान लगा लिया, 27 हमारी टोटल लंबाई है, तो मैंने इस तरीके से है निशान लगा लिया। अब ये तो हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट, अब इसी को हम फुल फोल्ड कर लेंगे तो हमारा बैक वाला पार्ट भी इसी के साथ में हमारा कट हो जाएगा। अब जहाँ आपका निशान आया था, जहाँ आपकी टोटल लंबाई का निशान आया है, वहाँ से आपको पकड़ के फैब्रिक को उस तरीके से फुल फोल्ड कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारे हो गए फुल फोल्ड हो गए हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको भी फुल फोल्ड करके अपने फ्रंट और बैक को कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स जो एक्स्ट्रा फैब्रिक में उसको कट करके निकाल दिया है, और जो हमारा सेंटर आया उस पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे हमें प्लेटेड बनने में आसानी होगी। इस तरीके से हमें इसमें छोटे छोटे इस तरीके से प्लेट डालनी है। तो ये हो गया हमारा बॉटम वाला पार्ट कट के रेडी, और अपर वाला भी कट के रेडी हो गया। अब हम अपने इसमें जो हमें ऊपर से फ्रंट वाले पार्ट पर जो प्लेटेड वाला फैब्रिक लगाना है उसको कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपको इस तरीके से प्लेट डालनी है, मतलब आपको इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ के और इसके बीच में आपको 1/2 इंच मतलब आपको छोटी छोटी सी प्लेटेड डालनी है। 5 से 6 प्लेटेड आपकी एक साइड पे बन जाएंगी और 5 से 6 प्लेटेड आपको दूसरी साइड पे बन जाएंगी, मतलब आपको इतनी प्लेटेड लेनी है जो आपको सेंटर रहे, उससे आपको 3.5 इधर साइड आ जाए और 3.5-4 आपकी इधर साइड पर आ जाए। अब प्लेट की जो आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए वो अपोजिट होनी चाहिए, मतलब आपकी प्लेटों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, उधर वाले की उधर साइड होनी चाहिए, आपको जो लेफ्ट वाली है वो लेफ्ट साइड की साइड होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको इसमें प्लेटेड बन लेनी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है फ्रेंड्स कि आपका फैब्रिक कितना आ रहा है, या तो आप इस तरीके से देख सकते हो, या आपको और शॉर्ट आइडिया बता देती हूँ मैं। जितना आपने फ्रंट वाले पार्ट को कट किया था मार्जिन के साथ में जितना आपको लिया था उतना ही फैब्रिक आपको ये कट करना है। इसमें क्या होगा, आपकी प्लेटेड बनी जाएंगी तो उतना ही आपका इसमें आ जाएगा ये फैब्रिक। तो इस तरीके से देखिए मैंने जैसे प्लेटेड डाल के देखी तो मेरा ये 21 आ रहा है इस तरीके से, और मैंने जो आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी बताया था तो उसमें हमने 11 इंच लिया था, तो 11 के हमारा 22 हो जाता है। तो 22 से 21 इंच इस तरीके से आपको फैब्रिक लेना है, और इसको हमें डबल फोल्ड कर लेना है। मतलब जिस तरीके से आपने फ्रंट वाला पार्ट चोली वाला पार्ट निकाला था डबल फोल्ड करके जैसे उसमें प्लस किया था मार्जिन के लिए, उतना ही आपको ये वाला फैब्रिक भी ले लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो फ्रेंड्स हम बाद में कट करके निकाल देंगे, और जो हमारी लंबाई है उतनी ही लेनी है हमें। इसमें 15.5 पे मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया और इसी निशान से हमने इसको कट कर दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा जो अपर पार्ट में हम वो चुन्नटे डालेंगे इस तरीके से, जब हम इसको स्टिच करेंगे तब इसको हम और अच्छे तरीके से देखेंगे। इसके बाद हम फ्रेंड्स हम अपनी स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो स्लीव्स में भी हमें छोटी छोटी चुन्नटे डालनी है इस तरीके से, प्लेटेड डालनी है छोटी छोटी हमें। तो इसके लिए भी हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिएगा, तो जितनी आपकी स्लीव्स की गोलाई है उसमें आपको 5 से 6 इंच प्लस करना है, मतलब 4 से 5-6 इंच भी प्लस कर सकते हो आप इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसमें स्लीव्स अलग तरीके से कट कर रही हूँ क्योंकि जो मेरी इसमें फ्लावर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई है इस तरीके से, जब मैंने इसको फोर फोल्ड किया है तो मैंने इसको इस तरीके से सेंटर में से इसको कट किया है इसकी डायरेक्शन को सेम करने के लिए। तो देखिए इस तरीके से अपर में जा रही है, तो दूसरा वाला फैब्रिक को भी हमें इसी तरीके से भी बिछाना होगा। तो देखिए अब हमारे चारों फैब्रिक की डायरेक्शन सेम अपर में हो गई है। अब हमें इसमें स्लीव्स कट करनी है, तो नीचे हम इसमें 1.5 से 2 इंच की मैं इसमें पट्टी अटैच करूँगी नीचे, और 16.5 जैसे हमारी टोटल लंबाई है तो इसमें हम 17.5 की लंबाई रखेंगे।
तो 2 इंच की हम नीचे में पट्टी अटैच करेंगे, तो ये हो गया हमारे 14.5 हम इसमें ले रहे हैं। और नीचे से हमें 2.5 इंच की गोलाई डालते हुए इस तरीके से स्लीव्स की गोलाई डाल लेनी है, और इस निशान से हमें इसको कट कर देना है, और बॉटम से हमें इसको कट नहीं करना है, इसमें हमें छोटी छोटी चुन्नटें डालनी है इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्लीव्स भी कट हो गई है, बॉटम और अपर वाला पार्ट भी कट के रेडी हो गया है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए, प्लीज़ स्किप करके मत देखना आप। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। Thank you.
तो फ्रेंड्स हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट हो गई है। आपको ड्रेस कैसी लगी, इसी के साथ साथ आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए। और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए क्या लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।